आपका स्वागत है। आज मैं आपको रोड टैक्स कैसे पे किया जाता है, टी परमिट व्हीकल का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑनलाइन कैसे पे किया जाता है। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाके हमें वाहन डॉट परिवहन डॉट जी ओ वी डॉट इन टाइप करना है। जैसे हम, या फिर वाहन करके भी टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा। सबसे पहले हमें वाहन इतना टाइप करने के बाद हमें क्लिक करना है। वहाँ पे देखिए एक परिवहन सेवा करके एक ऑप्शन आ जाएगा। परिवहन सेवा में फर्स्ट ही परिवहन सेवा का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। परिवहन सेवा पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे हमें दो एक वेबसाइट ओपन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे देखिए थ्री लाइंस हैं जो कि वहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं उसमें, ऑनलाइन सर्विस, व्हीकल रिलेटेड सर्विस, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड, अदर अदर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमें सबसे पहले हमें रोड टैक्स के बारे में देखना है। तो हमें रोड टैक्स के बारे में क्या देखना है उस, और रोड टैक्स हमें पे करना है। सबसे हमारा फर्स्ट फोकस रोड टैक्स पे करना है। तो हम उसमें व्हीकल रिलेटेड सर्विस, जहाँ पे लिखा हुआ है व्हीकल रिलेटेड सर्विस फर्स्ट ही ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे टू ऑप्शन ऑलरेडी दिए रहते हैं। सबसे पहले दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट, यदि आप दिल्ली एंड सिक्किम से बिलोंग करते हैं, यदि आप दिल्ली और सिक्किम के रहने वाले हैं, तो आप फर्स्ट ही ऑप्शन चूज करके आप सीधा सीधा जा सकते हैं। एंड अदर स्टेट से हैं आप, तो आप अदर स्टेट का ऑप्शन चुनें। तो मैं सबसे पहले अदर स्टेट का ऑप्शन चुन लेता हूँ। और उसमें अदर स्टेट का ऑप्शन चुनने के बाद हमें अपना गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर डालना है। व्हीकल नंबर हम जैसे ही डालेंगे, यहाँ पे देखिए मैं अपना व्हीकल नंबर डाल देता हूँ। व्हीकल नंबर देखिए मैंने डाल दिया है, अब प्रोसेस कर रहा हूँ। जैसे प्रोसेस करेंगे तो कार जिसके नाम की है उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, और कार कहाँ की है पूरा सब दिख जाएगा। तो वहाँ पे जाके हमें ये फिर बाद में एक प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा, हमें प्रोसेस करना है। चेक करने के बाद प्रोसेस कर देंगे। और प्रोसेस जैसे करेंगे वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज करके आएंगे, और जो हमारा व्हीकल नंबर है शो करते रहेगा, और वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी आएंगे। तो हमें सबसे पहले पे योर टैक्स, वहाँ पे जो हमें पे करना है पे, तो उस पे योर टैक्स पे क्लिक कर लेंगे। पे वे योर टैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रोड टैक्स करके ऑप्शन आ जाएगा। ऑनलाइन, फिर उसके जस्ट नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन रोड टैक्स करके ऑप्शन है, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जो कि हमारा व्हीकल नंबर रहता है। वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर भी रहता है। तो वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर पे हम क्लिक कर देंगे। और वहाँ उस पर क्लिक करने के बाद हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन रोड टैक्स का एक और ऑप्शन आता है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, और उसमें अपना एक कोई भी अदर मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं जिसपे एक ओटीपी आता है। तो मैं यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ जिसपे हमें एक ओटीपी प्राप्त होएगा। यहाँ पे मैंने अपना एक मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब मैंने ओटीपी के लिए भेज दिया है। और क्लिक किया है जनरेट ओटीपी। यहाँ जैसे ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ओटीपी आ गया है। मैं यहाँ पे ओटीपी इंटर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे
ओटीपी जैसे मैं एंटर करूंगा और सबमिट करूंगा तो मेरा सब कार का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंश्योरेंस पूरा डिटेल आ गया है। इंश्योरेंस डिटेल आने के बाद यहाँ पे परमिट डिटेल भी आ गया है, यहाँ पे टैक्स डिटेल आ गया है, रिफ्रेश टैक्स डिटेल भी आ गया है। यहाँ पे आप मंथ वाइज करना चाहते हैं कि साल 1 ईयर का करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे एमवी टैक्स पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे ईयरली करना चाहते हैं तो ईयरली, क्वार्टरली करना चाहते हैं तो क्वार्टरली, मंथली करना चाहते हैं तो मंथली, लाइफ टाइम करना चाहते हैं तो लाइफ टाइम, बीआई मंथली। तो हमें सबसे पहले हमें क्वार्टरली करना है तो हम क्वार्टरली पे क्लिक कर लेते हैं। और जैसे हम क्वार्टरली पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली पे क्लिक करने के बाद 2288 का हमारा पूरा ब्रेकअप दिखाया हुआ है, उसमें पेनाल्टी 88 रुपीज़ लगा है क्योंकि हमने लेट पे किया है। तो यहाँ पे नाउ योर प्रोविजन टैक्स डिटेल, आप यदि अपना पिछला टैक्स का डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके नाउ योर प्रोविजन टैक्स डिटेल पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। फर्स्ट तो हमें ये 2288 रुपीज़ पेमेंट करना है, तो मैं अभी पेमेंट के ऑप्शन में जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पेमेंट के ऑप्शन में जा रहा हूँ, अभी सर्च कर रहा है। करंट पेबल अमाउंट क्वार्टरली वन अकाउंट एमबी टैक्स 2088, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीरियड दिखा रहा है तो यहाँ मैं कंफर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे आई, यहाँ पे क्लिक करके टिक मार्क करना, आई हैव कन्फर्म दैट दी एबव स्टार्टेड डिटेल ऑफ करेक्ट, हमें ये कन्फर्मेशन देना पड़ता है। आप कन्फर्म करके कन्फर्म पेमेंट पे जाके क्लिक करेंगे और जैसे ही कन्फर्म पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लीज़ डू नॉट पे विथ डेबिट कार्ड इन केस पेमेंट अमाउंट जनरेट द RS 2000। दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, पेमेंट आईडी हमें मिल गया है। पेमेंट आईडी के बाद नीचे देखिए अमाउंट भी आ गया है। अमाउंट कंफर्मेशन करने के बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट में क्लिक करना है, सेलेक्ट ई पे मल्टी बैंकिंग, मतलब आप इंटरनेट या फिर आपका डेबिट कार्ड रहेगा, SBI से ही रिलेटेड कोई भी चीज़ रहेगा तो ही आपके SBI का डेबिट कार्ड वगैरह रहेगा तो ही आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग रहेगा तो ही आप कर सकते हैं पेमेंट। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं अभी ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पे आई हैव एक ऑप्शन दिया है, उसको हमें पूरा रीड करना है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी आप चाहिए रहेगा तो उसको पूरा रीड कर सकते हैं, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया टिक मार्क करने के लिए, यहाँ पे मैंने टिक मार्क कर दिया। उसके नीचे रेड लाइन में देखिए कुछ तो लिखा हुआ, आई हैव रीड ऑल एबव द डिक्लेरेशन आइटम, आई एग्री अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ईच एंड वुड लाइक टू प्रोसीड फ्यूचर, मैंने इसको पढ़ लिया है और एक्सपेक्ट भी कर लिया है, आई एग्री भी कर लिया है। अब उसको कंटिन्यू करता हूँ मैं, उसको मैंने कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, इसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का सब ऑप्शन आ रहा है। तो हमें सबसे पहले कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है और मंथ डालना है, ईयर डालना है, CVC नंबर डालना है, कार्ड होल्डर नेम डालना है। थोड़ा सा चालू कर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना सब डिटेल इसमें ऐड कर दिया है। अभी पे नाउ करके मैं अपना रोड टैक्स पे कर, यहाँ पे देखिए मैंने एक जो पेमेंट कर रहा हूँ उसका एक ओटीपी यहाँ पे आएगा, ओटीपी डालना पड़ेगा और उसमें आपको कंफर्म करना पड़ेगा कितना पेमेंट है आपका।
यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे एक ओटीपी अपना एंटर कर दे रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जैसे ही ओटीपी डाला मुझे मैंने अपना रोड टैक्स का पेमेंट कर दिया है। और रोड टैक्स का पेमेंट आने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे एक ऐसा पावती मिल जाता है, रिसिप्ट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको मैं प्रिंट आउट भी कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं ऐसा एक आपको रिसिप्ट मिल जाएगा जो कि आप अपने कार के साथ में रख सकते हैं।